नमस्कार। आज ऐसे मिर्च का अचार बनाएंगे। मिर्च को मैं काट ली हूँ अच्छी तरह से धो के, पानी इसका साफ करके सुखा के, और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली हूँ। ये मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं होती है और इसके अचार बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। इसके लिए मैं ले ली हूँ थोड़े से लहसुन, अच्छी तरह से छील के, और आधा टुकड़ा आम में कद्दूकस करके ले ली हूँ। ये कच्चा आम है। काला नमक है, कलौंजी है, सौंफ है, नमक है, ये मिर्च कूटी हुई है। इसको मिर्च को भून के और मैं इसको कूट ली हूँ। ये कलर वाली मिर्च है, हींग है और हल्दी है। अचार बनाते हैं। थोड़ा सा मैं सरसों का तेल ले ली हूँ और गरम कर ली हूँ तेल को। थोड़ा सा इसमें हम हींग डाल देंगे। कलौंजी और सौंफ डाल देंगे। हल्दी डाल देंगे। कलर वाली मिर्च डाल देंगे। मिर्च भी डाल देंगे क्योंकि मिर्च के अंदर ना तीखापन नहीं होता है, इसलिए इसमें थोड़ा सा मिर्च ये सब डालेंगे। चटपटी होगी अचार तो ही उसका स्वाद आएगा। लहसुन डाल देंगे, इसमें मिर्च डाल देते हैं। आम डाल देंगे, काला नमक डाल देते हैं, स्वाद के अनुसार इसमें हम सादा नमक भी डाल देते हैं। अच्छी तरह से मिला लेते हैं। गैस पर रखते हैं। गैस पर रख के अच्छी तरह से पका लेते हैं। यह अचार अभी का अभी खाने लायक हो जाएगा और आप इसको साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। खाने में काफी स्वादिष्ट लगेगा। बन गया है, मिर्ची नरम हो गई है। गैस को बंद कर देते हैं। अचार ठंडा हो गया है। सूखे हुए साफ कांच के बर्तन में या प्लास्टिक के किसी डब्बे में भर के रख देंगे। साल तक ये चलेगा। ठंडा होने पर ही भरे, गर्म रहेगा तो इसमें से पानी निकल के खराब हो जाएगा। अचार कितना सुंदर बना है कम सामान में, और अभी आम का सीजन है। बना के रख दीजिए, सालों तक इसका इस्तेमाल कीजिए। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है आप मुझे कमेंट करके बताइए। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।